ओम शांति। विजय माला तो उसी के गले में पड़ती है जो स्व परिवर्तन करते हैं। कितना सुंदर बाबा का महावाक्य है। यह महावाक्य सुनकर आपने अवश्य सोचा होगा कि ये विजय माला मेरे गले में भी पड़े। देख लें, बाबा सामने खड़े होकर विजय माला आपके गले में डाल रहे हैं, परंतु ये विजय माला उन्हीं के गले में पड़ेगी जो दूसरों को बदलने का इंतजार न करके, जो स्थान बदलने का इंतजार न करके स्वयं को बदलेंगे। कभी कभी समय मनुष्य को बदल देता है, लेकिन हमें स्वयं को बदलने की श्रेष्ठ इच्छा होनी चाहिए। हम जब तक दूसरों को बदलने का इंतजार करेंगे, तब तक हम बहुत वीक बनते रहेंगे। हमें सीख लेना है हर मनुष्य के साथ कैसे चलना है, और एक ही लक्ष्य हो कि कुछ भी हो जाए, किसी के साथ भी रहना पड़े, मुझे अपनी खुशी नहीं खोनी है, मुझे अपनी स्थिति नहीं गंवानी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आजकल संबंधों में कड़वाहट बहुत ज्यादा है। हर मनुष्य का ईगो बढ़ता जा रहा है, हर व्यक्ति अंगुली दूसरों की ओर उठा रहा है, हर मनुष्य दूसरों को बदलने की राह देख रहा है, परंतु ये सब नहीं होगा। हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। हमारे बदलते ही हमारा संसार बदल जाएगा। तो आज अपने में चेक करें। दूसरा बुरा बोलता है, हम सहन शक्ति संपन्न रहते हैं, या दूसरा बुरा बोलता है और हमें भी ईगो जागृत हो जाता है और हम ईंट का जवाब पत्थर से देने लगते हैं और टकराव बढ़ने लगता है। दूसरा व्यक्ति हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करता तो हमारा व्यवहार कैसा रहता है, दूसरा व्यक्ति हमारी उल्टी शिकायतें करता है तो हमारी स्थिति कैसी रहती है, दूसरा व्यक्ति हमें गिराने की कोशिश करता है तो हम कैसे निरंतर चढ़ते रहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम अपने लक्ष्य को पकड़ कर चलें। लक्ष्य के मार्ग में ये सब बाधा आती ही है, हमारी भी बाधा दौड़ है, और हम बाधाओं को पार करके ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। इसलिए दूसरे को बदलने का इंतजार न करके हमें स्वयं की भावनाओं को बदलना है, स्वयं की शक्तियों को बढ़ाना है, स्वयं को और सहनशील बनाना है, और स्वयं के बोलने के तरीके को भी बहुत रॉयल रखना है। ऐसा ना हो कि हमारे बोल किसी को यह आभास ही न कराएं कि ये भी कोई देवता बनने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हमारा चेहरा किसी को आभास ही न दे कि इन्हें भी भगवान मिला है, इन्हें भी प्रभु पालना प्राप्त हुई है। ऐसे ना हो कि हमारा व्यवहार देखकर लोग कहें कि इनसे तो अज्ञानी ही अच्छे हैं। नहीं, हम अपने चेहरे और चलन से बाबा का स्वरूप दिखाएं, प्रभु पालना का प्रत्यक्ष प्रमाण बन जाएं। भगवान ने हमारी पालना की है, बहुत प्यार दिया है, हम अपने जीवन को महान बनाकर अपने जीवन से अपने प्राणेश्वर परमपिता की छवि दिखाएं, तभी तो हमें देखकर अनेक आत्माएं बाबा के समीप आ सकेंगी। यदि हम ही उतार चढ़ाव में रहे तो लोग कैसे मानेंगे कि ये प्रभु पालना में पल रहे हैं। तो आज सारा दिन हम अशरीरी होकर बाबा के पास चलेंगे, टच करेंगे बाबा को और फील करेंगे उनके वाइब्रेशंस मुझ में भर गए। फिर वाइब्रेशंस लेकर नीचे प्रवेश करेंगे अपने देह में
और उन वाइब्रेशंस को चारों ओर फैलाएंगे। तो बाबा के पास जाकर वाइब्रेशंस लेना और वापिस देह में आकर वाइब्रेशंस फैलाना, ये ड्रिल करते रहेंगे। ओम शांति।